हेलो स्टूडेंट, वेलकम एंड लेट्स कंटिन्यू आवर मैथ फर्स्ट चैप्टर दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो टुडे आवर टॉपिक इज डिटरमिनेंट मेथड दैट इज क्रैमर्स रूल। तो आज हम लोग जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में जो प्रैक्टिस सेट 1.3 जो कि सिंपल और इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है और उसकी एग्जाम्पल जो है वो डिटरमिनेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी रिविजन करते हैं कि डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते थे, या फिर जो प्रैक्टिस सेट 1.3 जो फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट नंबर। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन में 3, 4, 2, 5 और एक्टिविटी बेस्ड है। तो आपको यहाँ पे बॉक्सेस दिए हैं, जो बॉक्सेस क्या करने हैं आपको भरने हैं। तो यहाँ पे आपको पता कि ये डिटरमिनेंट मेथड में जो डिटरमिनेंट है तो पहले हम लोग इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो फर्स्ट वी मल्टीप्लाई दिस 3 and 5, सो वी राइट इन दिस बॉक्स 5, सो 3 into 5, देन गिव माइनस साइन एंड देन टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लाइक दिस मीन्स 2 into 4 एंड देयर फोर 3 5 15 and this 2 4 that is 8 and this 15 minus 8 that is 7। तो इस तरह ये जो डिटरमिनेंट है हमने पिछले के वीडियो में डिटरमिनेंट फाइंड करने के मेथड और बहुत सारे एग्जांपल्स प्रैक्टिस की है। अभी इस प्रैक्टिस सेट जो 1.3 में आए क्वेश्चन है उसके रिवीजन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डिटरमिनेंट। अब इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है आपको। फर्स्ट सेकेंड का जो है वो -1, 7, 2, 4। ये क्वेश्चन दिया है आपको, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फिर से आपको क्या करना है, ये -1 और ये 4 इनका मल्टीप्लिकेशन आपको जरूर नहीं देना है, लेकिन ध्यान में रखना है कि फर्स्ट में मल्टीप्लाई दिस -1 into 4 देन गिव माइनस साइन। ये माइनस हम लोग रूल का दे रहे हैं कि जो कि रूल में क्या था, अगर डिटरमिनेंट ए बी सी डी है तो हम लोग पहले मल्टीप्लाई इसे फाइंड करने की मेथड क्या थी, फर्स्ट मल्टीप्लाई ए एंड डी देन गिव माइनस साइन एंड देन बी इनटू सी। तो सेम उसी तरह से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -1 into 4 देन -7 into 2 एंड देन -1 into 4 दैट इज -4 एंड माइनस प्लस अगेन माइनस एंड 7 4 14। तो अगर दोनों ही माइनस है तो इनके रूल भी आपने किया है कि अगर बोथ आर नेगेटिव दैट टाइम यू ऐड एंड गिव माइनस साइन। तो अगर दोनों नेगेटिव नंबर होते हैं तो हम लोग उनको ऐड कर लेते हैं और क्या होता है, माइनस की साइन होती है। देन सेकंड वन इज 5, 3, -7 and 0। अब इससे भी आपको उसी तरह से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले आप किसका मल्टीप्लिकेशन करोगे, इस 5 और 0 का। So 5 into 0, then give minus sign and then 3 into -7। अभी यहाँ पे ये जो माइनस है ये रूल का है और 3 into -7 और मल्टीप्लाई करते समय दोनों अगर माइनस है तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस की साइन देते हैं, और फिर प्लस या माइनस इनका अगर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई करके साइन कौन सी आती है, माइनस की आती है। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए जो प्रैक्टिस सेट 1.3, अगर इसमें आपके प्लस माइनस के मल्टीप्लिकेशन के एडिशन के रूल अगर परफेक्ट है तो आपके एग्जाम पर रॉन्ग नहीं होंगे। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, तो 0 into any number दैट इज 0, सो वी राइट हियर 0 एंड सी बोथ आर नेगेटिव, -3 into -3 सो इट इज प्लस एंड 3 7 21 और 0 प्लस एनी नंबर दैट नंबर इटसेल्फ, सो आंसर इज 21। देन थर्ड वन इज इन डिटरमिनेंट देयर इज 7 upon 3, 5 upon 3, 3 upon 2 and 1 upon 2। अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसमें अभी आपको क्या करना है, पहले तो इसे मल्टीप्लाई करना है 7 upon 3 into 1 upon 2 then give minus sign then 5 upon 3 into 3 upon 2।
अब यहाँ पे अगर कोई सिंप्लीफाई हो रहा है तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करके जो एडिशन मीन सम ऑफ फ्रैक्शन लेते हो या डिफरेंस ऑफ फ्रैक्शन लेते हो, वो मेथड से आप आगे सॉल्व कर सकते हो। तो 7 1 7 एंड दिस 3 2 6 देन माइनस साइन एंड हियर इट इज 5 3 15 एंड 3 2 6। अब आप देखोगे यहाँ पे इन दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो गए हैं, सेम हो गए। तो डिनोमिनेटर जब सेम होते हैं तो ही हम न्यूमरेटर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप 7 - 15 / 6 ये सेम है इसलिए एक बार। फिर यहाँ पे प्लस माइनस का रूल लगाइए, प्लस माइनस माइनस एंड ग्रेटर नंबर साइन। सो प्लस 7 - 15 इज -8/6 और ये एक किसी एक टेबल से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर दोनों डिवाइड होते हैं तो आपको डिवाइड करके उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या करना है लिख लेना है। जैसे अगर मैंने इसे 2 से डिवाइड किया 2 4 एंड दिस 2 3। सो आंसर इज -4/3। तो है ना, ये आसान सा एग्जांपल जो हमें कितने एक या दो मार्क के लिए छोटा सा एग्जांपल होता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। और ये डिटरमिनेंट अगर आपको आ गया तो इससे रिलेटेड जो थर्ड क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल, वो हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं उस एग्जांपल को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। अब इसके लिए हमें जनरल फॉर्म लिखने होंगे, क्योंकि अगर इक्वेशन सॉल्व करना है साइमल्टेनियस इक्वेशन का मीनिंग देखना है तो साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है कि जब हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के दो इक्वेशंस या मोर देन टू होंगे उनका एक साथ अगर हम लोग सोचते हैं या फिर उनको सॉल्व करने की मेथड देखते हैं तो वो साइमल्टेनियस इक्वेशन हो जाता है। आइए देखते हैं कि ये क्रैमर्स रूल क्या है। तो कंसीडर लेट a1x + b1y = c1, ये एक इक्वेशन है। सेकंड के लिए हम लोग लेंगे a2x + b2y = c2, ये हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। मींस x और y इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में और जो कांस्टेंट नंबर होगा वो राइट साइड में आपको लिखना है। तो जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि एग्जांपल स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो अब अगर ऐसा आप लिखते हैं तो आपको सेम जो यहाँ पे हमने डिटरमिनेंट मेथड सॉल्व की है उससे आपको डी फाइंड आउट करना है। अब ये डी फाइंड आउट करने के लिए क्या लिखना है, तो जो आपको इक्वेशन दी होगी तो ध्यान में रखना कि जब आप पहले डिटरमिनेंट फाइंड करोगे तो यहाँ पे जो लिखना है यहाँ पे दो वेरिएबल यूज किए गए एक्स एंड वाई, उनके कोफिशियंट को आपको क्या करना है यहाँ पे लिखना है d के लिए। तो जैसे यहाँ पे x और y का अगर कोफिशियंट देखेंगे तो ये है a1, a2, b1 और b2, क्योंकि दो ही वेरिएबल्स है इसमें। आप 11th में जाओगे तो आपको x, y और z के भी वेरिएबल्स मिलेंगे जिसमें आपको फिर एक और यहाँ पे कॉलम आगे ऐड हो जाएगा किसका, C1, C2 का, फिर ये कांस्टेंट नंबर आगे चले जाएंगे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट को d के लिए लिखना है। उसके बाद इनका मल्टीप्लिकेशन जैसे हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि a1 × b2 - b1 × a2, फिर इसका जो भी आंसर आएगा आपको लिखना है। फिर फाइंड आउट करना है आपको dx। अब dx फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, तो जो यहाँ पे x यूज हुआ है तो x नहीं लिखना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे dx लिया है। तो याद कैसे रखना है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि dx में यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, किसके कोफिशिएंट लिखे जाएंगे। तो सिंपली याद रखने के लिए आपको बताता हूँ कि जैसे ये पहला कॉलम x का है, ये y का है, ये c1 c2 है, तो जब x यहाँ होगा तो x नहीं लिखना है, तो जो यहाँ पे होगा उसके जगह पे ये c1 c2 लिख डालना है। तो जैसे ये x का कॉलम है और x बाहर है तो इसके जगह पे c1 c2 और फिर ये y वाला
कोएफिशिएंट बी वन और बी टू लिखना है, और सेम मल्टीप्लीकेशन करना है सी वन इंटू बी टू माइनस बी वन इंटू सी टू। देन फाइंड डी वाई। अब डी वाई फाइंड आउट करना है मतलब वाई का कॉलम नहीं लिखना है आपको, तो जब ये कॉलम नहीं लिखना है तो इसकी जगह कौन लेगा, ये C1 C2 और ये पहले से है तो A1 A2 और Y यहाँ पे नहीं आएगा, तो उसके जगह पे आपको C1 C2 लिख लेना है और फिर इनको मल्टीप्लाई कर लेना है A1 into A2 minus C1 into A2 एंड देन बाय क्रैमर्स रूल। अब क्रैमर्स रूल अप्लाई करना है जिसमें आपका फॉर्मूला होगा x के लिए dx upon d and for y it is dy upon d। तो इस तरह से ये जनरल फॉर्म आपको याद रखना है, अगर जनरल फॉर्म आपका याद हो जाता है तो आप कोई भी एग्जांपल इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं बाय क्रैमर्स रूल। तो हम लोग अब जो प्रैक्टिस सेट 1.3 और उसका जो थर्ड क्वेश्चन है उसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि क्रैमर्स रूल से वो कैसे सॉल्व होंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने जो इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड देख चुके हैं, अभी जो इस प्रैक्टिस सेट में हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है या देखना है वो कौन से रूल से देखना है, बाय क्रैमर्स रूल। तो आपके प्रैक्टिस सेट का एग्जांपल लेता हूं मैं। क्वेश्चन थर्ड, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। मींस थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है 3x minus 4y equal to 10 और सेकंड क्वेश्चन इक्वेशन है 4x plus 3y equal to 5। तो अब सबसे पहले क्या करना है, आपको जो भी क्वेश्चन दिया है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं देखना है। जैसे x और y जो वेरिएबल है वो लेफ्ट हैंड साइड में है, तो पहले इक्वेशन को रीड करना है कि ये a1x, ये b1y और ये क्या है c1 है। सेकेंड इक्वेशन में ये a2x है, ये b2y है और ये c2 है। इस तरह से आपको रीड करना है या फिर सिंपली आप क्या कर सकते हैं, इसे 1/1 लिख लो 3x minus 4y equal to 10। सेकेंड इक्वेशन इज 4x plus 3y equal to 5। Then find the value of this determinant d। d की value find करनी है, तो जैसे यहाँ पे आपको मैंने d के लिए बता दिया कि मुझे जो variable दिए हैं उनके coefficient को यहाँ पे column में लिखना है d के लिए। अगर आपको याद नहीं है तो आप ये formula पहले a1, a2, b1, b2 लिख कर भी solve कर सकते हैं या directly भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपको x और y के coefficient means a1, a2, b1, b2 लिखना है। तो a1, a2, 3, 4, then minus 4 और plus 3। तो ये minus 4 plus 3 कुछ लोगों को याद नहीं आता, अगर minus sign है तो minus के साथ ही लिखना है उसे, क्योंकि यहाँ पे a1 की value 3 है, b1 की value minus 4 है और ये equal के बाद में जो right side में वो c1 है। second equation में a2, b2 और ये क्या है c2, तो उसके हिसाब से आपको ये लिखना है और ये फिर आपको पता है कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो 3 into 3 then minus sign, अब minus sign देने के बाद फिर ये तो रूल के लिए होगा और ये जो माइनस है वो फिर से आपको ब्रैकेट में लिखना है into 4 कर लेना है। तो 3 3 जा 9 और ये माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन है, या फिर आप जब इनको मल्टीप्लाई करते हो तो बाहर माइनस है तो अंदर की साइन क्या होती है चेंज हो जाती है। तो 4 4 जा 16 और इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें जो d है उसकी वैल्यू मिल जाती है 25। उसके बाद आपको फाइंड करना है dx। अब dx के लिए जो x का कॉलम है वो नहीं लिखना है, तो उसकी प्लेस कौन लेने वाला है c1 c2। जैसे यहाँ पे भी आपको बताया कि x है तो x नहीं लिखना है, तो उसके जगह पे आपको x के कॉलम पे c1 c2 की वैल्यू पहले ले लेनी है c1 c2 b1 b2। अब एग्जांपल से इसे कंप्लीट कर लेना है 10 5 then minus
4 and plus 3 and then do multiplication 10 into 3 then minus minus 4 क्योंकि ये रूल का और ये माइनस फोर ब्रैकेट में और इनटू 5 तो पहले हमने इसको मल्टीप्लाई किया बाद में फिर इस तरह से सो ये कितना हो गया 10 3 जा 30 और माइनस माइनस प्लस कर दीजिए और ये 20 सो ऐड करके ये 50 तो इस तरह से हमें dx की वैल्यू मिल जाती है 50 फिर फाइंड करना है आपको dy अब dy के लिए y का जो कॉलम है वो नहीं लिखना है तो उसकी जगह पे आपको c1 c2 लिखना है और a1 a2 जो है वो फर्स्ट वैसे ही है तो यहाँ पे फार्मूला हो जाता है a1 a2 और यहाँ पे c1 c2 और फिर जब हम लोग यहाँ पे एग्जांपल से वैल्यू देखेंगे तो a1 और a2 क्या है 3 4 और ये माइनस c1 c2 लिखना है यहाँ पे हमें तो c1 c2 है 10 और ये 5 और फिर इनका मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 5 देन माइनस एंड 10 इंटू 4 मीन्स 10 इंटू 4 अब 3 5 जा 15 और ये माइनस क्या कर लेना है देखो 15 और 10 4 जा 40 सो प्लस माइनस माइनस एंड ग्रेटर नंबर साइन तो 40 में से हम लोग अगर जब इसको माइनस करेंगे और लार्जर नंबर साइन देंगे तो ये होगा माइनस 25 तो dy की वैल्यू है माइनस 25 अब आपको अप्लाई करना है बाय क्रैमर्स रूल अब इस क्रैमर्स रूल में x की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला है dx अपॉन d एंड फॉर y इट इज dy अपॉन d तो dx की वैल्यू जो dx है वो है 50 सो 50 अपॉन 25 दैट गिव्स 25 2 जा एंड y इक्वल टू dy अब dy हमने फाइंड आउट किया है dy की वैल्यू है माइनस 25 सो माइनस 25 अपॉन दिस 25 25 बन जा मींस माइनस 1 तो यहां पे आपको y की वैल्यू माइनस 1 मिलती है लास्ट में आपको आंसर ब्रैकेट में लिखना है कि ब्रैकेट में xy इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन तो इस तरह से आपको क्रैमर्स रूल कि जो मेथड है जो जनरल फॉर्म है वो याद रखकर जो एग्जांपल उस एग्जांपल को क्या करना है सॉल्व करना है अभी हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड एग्जांपल देखते हैं उसके पहले अगर आपको मेथड समझ में आ गई है तो आप खुद भी बाकी के एग्जांपल क्या कर सकते हो इस मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं आइए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन अभी सेकेंड क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं पहले आप चेक कर लो 4x plus 3y minus 4 equal to 0 सेकेंड इक्वेशन इज 6x equal to 8 minus 5y तो इस एग्जांपल को ध्यान से देखेंगे तो ये जो माइनस फोर इसकी प्लेस इधर होनी चाहिए और सेकंड में एक्स है ये माइनस फाइव वाई लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए था और यहाँ पे सिर्फ 8 होना चाहिए तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसे हमें खुद को क्या करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो देखते हैं कैसे कन्वर्ट होगा 4x plus 3y इक्वल टू 4 ये मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है इसमें इसे इधर लाएंगे तो ये माइनस 5y प्लस 5y इक्वल टू 8 हो जाएगा तो सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी 6x प्लस 5y इक्वल टू 8 अब इस एग्जांपल में आपको ध्यान रखना है ये a1 b1 c1 a2 b2 c2
then find first the value of determinant d. So for d, write the coefficient of x and y in column, means a1, a2, b1, b2. And comparing these two equations, a1, b1, c1, a2, b2, c2. So a1, a2 is 4, 6, b1, b2 are 3 and this 5. Then do bracket or this multiplication, cross multiplication. So 4 into 5, then give minus sign and then do cross multiplication like this, 3 into 6, 3 into 6. So 4, 5 are 20 and this 3, 6 are 18, and 20 minus 18 is 2. तो d की वैल्यू जो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाती है. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस dx. अब dx के लिए आपको याद रखना है कि वी आर नो नीड टू राइट द कोएफिशिएंट ऑफ दिस x, बिकॉज वी फाइंड हियर द वैल्यू ऑफ dx. सो फर्स्ट राइट द वैल्यू ऑफ c1 एंड c2 फर्स्ट, एंड हियर b1 b2. देन कंपेयर दिस by these two equations, c1 c2 4 8, b1 b2 3 5. Then find the value of this determinant by multiplication. So 4 into 5, then minus 3 into 8. Again it is 20 minus 3 8 ja 24. Then see here, plus minus minus and greater number sign. So plus 20 minus 24, we do here subtraction and give greater number sign. So here it answer is minus 4, means dx is minus 4. Then find dy. अब dy find करना है, means y का column नहीं लिखना है. अब अगर y का कॉलम नहीं लिखना है तो ये पोजीशन कौन लेगा, c1 c2. तो यहाँ पे पहले आ जाएगा a1 a2 then c1 c2. सो वी राइट हियर a1 a2 दैट इज 4 6 then c1 c2 दैट इज 4 8 एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट बाय मल्टीप्लाइंग. सो 4 into 8 देन माइनस एंड 4 into 6. सो 4 8 जा 32 minus 4 6 is 24. So this 32 minus this 24 is 8. So value of this dy is 8. And then apply Cramer's rule. So by Cramer's rule, formula is for x it is dx upon d, and for y it is dy upon d, and therefore this x is dx, that is minus 4 upon value of d, that is 2. Then this 2 1 ja 2 2 ja, means x is minus 2, and here y is dy upon the value of d. So dy is 8 upon this 2 2 1 ja and 4 ja. So this y is 4, and therefore we write answer xy, that is minus 2 4 is the solution of given equation. तो इस तरह से आपको जो भी equation अगर Cramer's rule से solve करना है तो आपको पहले क्या देखना है कि दोनों equation standard form में है या नहीं. अगर नहीं है, जैसे इसमें आपने देखा कि इस माइनस फाइव वाई की पोजीशन यहाँ पे होनी चाहिए थी जो नहीं थी, ये माइनस फोर का राइट साइड में होना चाहिए था, इसलिए पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया और फिर dx और dy के वैल्यू फाइंड करके जो क्रैमर्स रूल है, x का फार्मूला है dx अपॉन d और y का फार्मूला है dy अपॉन d, वैल्यू पुट करना है, आंसर फाइंड आउट करना. तो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, वेयर 2x प्लस 3y इक्वल टू 2.
एंड सेकेंड इक्वेशन इज एक्स माइनस वाई अपॉन टू इक्वल टू वन अपॉन टू। अब यहाँ पे अपॉन में है तो कुछ लोगों को हार्ड लगता है या फिर उसे कन्वर्ट करने की मेथड नहीं आती, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन नंबर सिक्स लिया है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप देखो इसे सिंपल कैसे कर सकते हैं। अगर आप अपॉन में फ्रैक्शन भी रखते हैं तो आंसर आएगा, उसके हिसाब से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन हम लोग इसे इजीली मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय टू, ये डिनोमिनेटर का टू हटाने के लिए सभी को टू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वन अपॉन टू इंटू टू, तो सबको टू से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये टू कैंसिल होके यहाँ पे टू इंटू एक्स डेट ही टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन, ये हो गया सिंपल इक्वेशन। और उसके बाद आप ये मेथड से इस एग्जाम्पल को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो मान लो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू टू, सेकेंड इक्वेशन है टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन। अब क्या करना है आपको, पहले d की वैल्यू फाइंड करनी है, d के लिए क्या लिखना है वो भी आपको आ गया समझ में कि d के लिए हमें जो x और y के कॉलम है उनके कोफिशिएंट लिख लेना है। तो फॉर d यू नो इट इज a1 a2 b1 b2, सो हियर a1 a2 दैट इज 2 3 एंड b2 इज माइनस 1 एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट 2 into minus 1 minus 3 into 2, so it is minus 2 minus 2 3 is 6 and see both are negative। अब दोनों फिर से क्या हो गया यहाँ पे minus हो गया, तो दोनों minus हो गए तो add करना है और minus sign देनी है, तो simple है ये कि इसके value क्या हो जाएगी minus 8, so here the value of d is minus 8, then find the value of dx। अब dx के लिए जो x का कॉलम है वो नहीं लिखना है, मींस a1 a2 नहीं लिखना है, तो उसके जगह पे पहले क्या आएगा c1 c2 b1 b2। अब एग्जांपल में देखना है कि c1 c2 क्या है, तो c1 c2 है 2 1 b1 b2 है 3 minus 1, फिर मल्टीप्लिकेशन 2 into minus 1 minus 3 into 1, so plus into minus is minus, again minus 3 into 1 is minus 3 and sum is, what is the sum, so both are negative, so we add and give minus sign, so dx is minus 5, then find dy। अब dy के लिए y का कॉलम नहीं लिखना है, उसकी पोजीशन लेने वाला है c1 c2, so first we write a1 a2 c1 c2, तो यहाँ पे a1 a2 2, 2, then 2, 1, then 2 into 1, minus 2 into 2, so 2, 1, minus 4, plus, minus, minus and greater number sign, so this dy is minus 2, and therefore by Cramer's rule, for x formula is dx upon d, and for y it is dy upon d. So this x is dx, that is minus 5 upon d is minus 8 and both are negative, so it is positive, means 5 upon 8, and this y is minus 2 upon this minus 8, so 2 and 4, so this y is 1 upon 4, so we write in bracket, that is 5 upon 8 comma 1 upon 4 is the solution of the given simultaneous equation।